अगर आप भी इंडिया में रहते हैं तो आपका टाटा ग्रुप से किसी न किसी तरह से वास्ता पड़ता रहता है, चाहे वो टाटा की मोटर्स हो या फिर टाटा की चाय, ताज होटल की शान हो या फिर टाटा पावर की इलेक्ट्रिसिटी। हर दिन हम किसी न किसी तरह से टाटा ग्रुप के साथ उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप का ये सफर 150 साल से भी पुराना है। आज हम बात करेंगे जमशेद जी टाटा से लेकर रतन टाटा तक कैसे टाटा ग्रुप ने अपने छोटी सी शुरुआत को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने का सफर तय किया। ये कहानी सिर्फ भारत के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नहीं है बल्कि टाटा ग्रुप के सपनों की है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1868 में, जब जमशेद जी टाटा ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरू की थी। उनका फोकस था कॉटन ट्रेडिंग पर। उन्होंने अपने फादर के साथ ये बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उनका विजन ट्रेडिंग तक सीमित रहना बिल्कुल भी नहीं था। जमशेद जी टाटा ने देखा कि भारत में कॉटन का एक्सपोर्ट होना तो बहुत ही आम है, लेकिन टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सही से नहीं है। उन्होंने सोचा कि भारत में अगर टेक्सटाइल मिल्स को खड़ा करना है तो हम सिर्फ कॉटन को एक्सपोर्ट करने के बजाय फिनिश गुड्स और एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, जो कि भारत को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत बना सकता है। उन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए बॉम्बे के अंदर एक बंद पड़ी ऑयल मिल को खरीदा, जो कि उस वक्त बहुत ही बड़े लॉस में जा रही थी। उस मिल को उन्होंने कॉटन मिल के अंदर कन्वर्ट किया और इसका नाम रखा अलेक्जेंड्रा मिल। ये टाटा ग्रुप का पहला मेजर स्टेप और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ पहला कदम था। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। 2 साल के बाद उन्होंने बम्बई के बजाय नागपुर के अंदर अपनी दूसरी मिल स्टैब्लिश की, जिसका नाम था एम्प्रेस मिल। बॉम्बे के लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर इस टेक्सटाइल को बॉम्बे से बाहर क्यों लगाया गया है, जबकि बॉम्बे कॉटन का हब था। नागपुर के अंदर आखिर इस मिल को लगाने का रीजन क्या था? सबने इस फैसले को गलत ठहराया, लेकिन जमशेद जी का विजन बहुत ज्यादा बड़ा था। नागपुर के अंदर कॉटन इंडस्ट्री के लिए और टेक्सटाइल के लिए जितना भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता था वो मिलता था। बम्बई के अंदर मजदूर आपको बहुत ज्यादा महंगे मिलते थे और उनकी शॉर्टेज रहती थी, जबकि नागपुर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत ज्यादा आपको मजदूर मिल जाया करते थे। यही कारण था कि जमशेद जी ने अपनी मिल को नागपुर में लगाया था। इम्प्रेस मिल काफी ज्यादा सफल चल रही थी, लेकिन जमशेद जी टाटा का सपना इससे भी बड़ा था। उन्होंने देखा कि उस वक्त भारत स्टील के लिए पूरी तरह से ब्रिटेन पर डिपेंड करता है। जमशेद जी टाटा का विजन ये था कि भारत को इंडस्ट्रियल तौर पर इंडिपेंडेंस बनाना था। उन्होंने भारत में स्टील प्रोडक्शन करने के लिए सोचा, और जो उस वक्त के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर आयरन रिजर्व्स को ढूंढना शुरू किया। ये तलाश 17 साल तक चली और आखिरकार बंगाल के अंदर आयरन रिजर्व्स मिल गए, जहां टाटा स्टील का फाउंडेशन रखा गया। ये भारत का पहला स्टील प्लांट था जो एशिया में अपना एक अलग ही मकाम रखता है। लेकिन जमशेद जी टाटा के सपने सिर्फ स्टील प्लांट तक ही सीमित नहीं थे। उनके 4 बड़े सपने थे: स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ग्रैंड होटल, एजुकेशन का विकास और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ताजमहल होटल उनके सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में से एक था, जो साल 1903 में कंप्लीट हुआ। ताज सिर्फ एक होटल ही नहीं बल्कि भारत का पहला बिल्डिंग था जो कि इलेक्ट्रिक लाइटिंग और अमेरिकन फैंस और तुर्किश बाथ जैसे मॉडर्न फीचर्स से भी लेस था। ताज होटल को डिजाइन इस तरह से किया गया था कि इसके हर रूम समंदर की तरफ ओपन होते थे, और ताज होटल का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर आप ताज होटल की विंडो से खड़े होकर बाहर का नजारा करो तो ये होटल आपको समंदर पे फ्लोट करता हुआ दिखेगा। इस होटल की कंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट था, जिससे ये साबित हुआ कि भारत भी लग्जरी और मॉडर्निटी के अंदर किसी से कम नहीं है। जमशेद जी टाटा ने दूसरा सपना एजुकेशन को विकास बनाया। उन्होंने देखा कि अगर भारत को इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल मैदान के अंदर आगे बढ़ना है तो एजुकेशन और रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस को और साइंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। बेंगलोर के अंदर उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जो आज भी भारत की एक लीडिंग साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट है।
ये जमशेद जी टाटा का सपना नहीं था बल्कि भारत को दुनिया का टॉप इंडस्ट्रियल कंट्रीज के साथ खड़ा करने का मिशन था। जमशेद जी टाटा अपने जीते जी अपने कुछ सपने पूरे नहीं कर पाए। उनकी डेथ साल 1904 में हो गई, लेकिन उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराब जी टाटा ने इसका कमान संभाली। दोराब जी टाटा ने स्टील और पावर सेक्टर्स में भी अपने फादर के विजन को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया। साल 1910 में टाटा पावर का फाउंडेशन रखा गया, जो कि भारत का पहला हाइड्रोलिक पावर प्लांट था। इस प्लांट के जरिए बॉम्बे और उसके आसपास के रीजन्स को बिजली सप्लाई की जानी थी। इस वक्त टाटा ग्रुप भारत को मॉडर्नाइज करने में लगातार काम कर रहा था। दोराब जी टाटा ने अपने फादर के विजन को आगे ले जाते हुए एविएशन सेक्टर्स में भी कदम रख दिया था। साल 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो कि भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन बनी। पहली फ्लाइट खुद जेआरडी टाटा ने पायलट्स की तरह उड़ाई। टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया के नाम से फेमस हुई। सिर्फ एविएशन ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी टाटा ग्रुप का एक्सपेंशन किया जा रहा था। टाटा मोटर्स का फाउंडेशन साल 1945 में रखा गया, जहां पे ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन शुरू किया गया। टाटा मोटर आज एक ग्लोबल नाम बन चुका है। साल 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS की शुरुआत हुई, जो कि IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। टाटा ग्रुप सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को भी अपनाया। इस वक्त रतन टाटा ने टाटा ग्रुप और लीडरशिप को संभाला, ग्लोबल एक्सपेंशन पर ध्यान दिया और टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक्वायर किया। टाटा टी ने टेटले को खरीदा और टाटा स्टील ने क्रॉस ग्रुप को एक्वायर किया। टाटा ग्रुप के ग्लोबल एक्सपेंशन ने उसको मल्टीनेशनल जायंट बना दिया। रतन टाटा के लीडरशिप के अंदर टाटा ग्रुप ने नई हाइट्स को छू लिया था, लेकिन टाटा ग्रुप का असली ताकत सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस में नहीं बल्कि उनके एथिक्स, उनके एम्प्लॉयज की प्रगति और बहुत सारे देश की प्रगति के साथ जुड़ी हुई थी। टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं बल्कि एक सोच है। जमशेद जी टाटा ने जो फाउंडेशन रखा था, आज भी वो लेगेसी बन चुका है और जो 150 सालों से लेके लगातार अपनी छाप छोड़ता आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी टाटा की 150 साल पुरानी कहानी, एक छोटी सी शुरुआत से लेकर ग्लोबल पावर हाउस बनने तक कैसा सफर तय किया है टाटा ग्रुप ने, हमने आपको बताया। इसे देखकर हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर सपना बड़ा हो तो विजन क्लियर हो तो सब कुछ पाया जा सकता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और अगर आपको भी ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा है तो हमारी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।